हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 28 जो कि जे 2023 में पूछा गया फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज बाय 20%, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस्ड बाय 4%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर। सो बेसिकली एज वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेट सपोज दिस इज अवर इनिशियल रेजिस्टेंस, नाउ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 20%, इट मीन्स दैट हमारी इनिशियल लेंथ था एल, सो इसका हमने 20% जो है इंक्रीज किया है। सो इट इज लाइक 20/100 ऑफ एल, सो इट इज 0.2L। तो फ्रेंड्स, लेंथ बिंग इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स दैट जो हमारी न्यू लेंथ होगा वो हो जाएगा 1.2L बिकॉज इट इज बिंग इंक्रीज बाय 20%। सिमिलरली जो एरिया में हमने डिक्रीज किया है क्वेश्चन में वो देके रखा है 4%, सो हमारा बेसिकली नया एरिया हो जाएगा 0.96A। पहले हमारा एरिया ए है, हमने इसमें 4% का जो है रिडक्शन किया है, लाइक 4/100 ऑफ एरिया। स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली 0.04 ऑफ ए। सो हमारा जो नया एरिया होगा वो आ जाएगा ए माइनस 0.04A, सो वी कैन सिंपली राइट दिस है 0.96A। तो हमारा नया एरिया है 0.96A और नया लेंथ है 1.2L। सो बेसिकली अवर न्यू रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंजिंग देयर, इट इज अ कांस्टेंट, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है जिससे कि रेजिस्टिविटी बदल पाए, सो रो इज अ कांस्टेंट देयर। सो न्यू लेंथ इज 1.2L एंड न्यू एरिया इज 0.96A। सो हम इसे लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.96। स्टूडेंट्स, रो एल अपॉन ए वी नो दैट इट इज बेसिकली द आर जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, और जब आप 1.2 को 0.96 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.25 आफ्टर डिवाइडिंग दिस। इट मीन्स दैट जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है इट इज 1.25 टाइम्स आर। सो ये हमारी रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज, सो इट इज सिंपली 1.25 आर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। सो इट इज सिंपली 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 25%, 25%। सो दिस इज अ इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28 इज 25%। सो 25% देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। थैंक यू।